वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिरान शिखा बला। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मेरा देख सिंदूर सीधा उठने की बजाय टेढ़ा। मैं क्यों पता नहीं क्यों मेरा सिंदूर हमेशा टेढ़ा ऐसे होता है। सीधा करके अच्छा मेरा सिंदूर हमेशा टेढ़ा होता है। मेरा हस्बैंड की टेढ़ा है नहीं, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं अभी ब्लॉग क्यों बना रही हूँ वो बता देती हूँ, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं है इसलिए खुजली उड़ाई इधर नोज में। तो मैं अभी ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं कल जाऊंगी मेरे मायके। परसों मैं दिखाई थी एक जगह ठाकुर नगर के मेरा तबीयत ठीक नहीं है ठाकुर नगर के स्पेशल जगह, ठीक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी जाऊंगी क्योंकि बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। जाएंगे जाके वहाँ मेला है, मेले में बहुत मज़ा करने वाले हैं, ठीक है, बहुत मज़ा। तो मेले में बहुत मज़ा करेंगे इसलिए जा रही हूँ। परसों मेला है, ठीक है, मैंने मेला स्टार्ट होने वाला है, फिर 7 दिन तक रहेंगे, फिर उसके बाद टूट जाएंगे। मेले में जाके कुछ चीज़ें खरीदेंगे, मेले के चीज़ ज़्यादा अच्छे नहीं होते लेकिन मेले में जाने के बाद खरीदना, पता नहीं ये देखो तो पसंद आता है, जो भी देखो पसंद आ जाता है। मुझे तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है, अभी से सोच के ही खुशी हो रही है कि हाँ मेले में जाएंगे बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे ऐसा। लेकिन मेरी तबीयत का जो हाल है मैं पता नहीं कब तक बोल सकूंगी। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी आ रही कि नहीं पता नहीं, क्योंकि पास में मेरी पड़ोसी के घर भजन हो रहा है, कीर्तन, ठीक है, भजन कीर्तन हो रहा है, तो इसकी वजह से ज़्यादा अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे भी मेरी आवाज़ उतनी ज़ोरों से आती नहीं, थोड़ी सी आती है मेरी, मैं ज़ोर से चीख नहीं सकती क्योंकि ज़्यादा बात करूँगी तो गला बैठ जाएगा, आवाज़ नहीं होगा। इसलिए सोचा था कि डॉक्टर को दिखाएंगे लेकिन इतना गर्मी है मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ काम करो, कुछ भी वीडियो बनाओ या फिर कुछ भी काम करो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। देख मैं हमेशा इयररिंग पहन के रखती हूँ, अभी ये भी दर्द कर रहा है इसलिए खोल दी। देखो मेरे कान की वाली नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सिंदूर पहना, ऐसे भी सिंदूर तुम तेरा ही होता है इसलिए। मेरी दीदी भी, मेरी एक दीदी है उसकी बेटी मुझसे बहुत डरती थी, वो भी आ रहा है, बहुत मज़ा करेंगे, वो भी मज़ा करना बहुत पसंद है, तो वीडियो भी बनाएंगे। आज पूरा दिन एक चीज़ लेके मैं कोशिश कर रही थी कि करूँ कैसे करूँ लेकिन हो नहीं पाया, बहुत दुख हो रहा है क्योंकि क्यों नहीं हुआ वो चीज़। छोड़ो जी, किस्मत की बात है, जब हो कोशिश करते रहो एक दिन तो ज़रूर होगा। देखो मेरी लाइट की क्योंकि रोशनी बाहर से आ रहा है तो मेरे मुंह के ऊपर आ रहा है, फिर मैं हिला रही हूँ तो फ्लैश फ़ोन में जा रहा है इसलिए नहीं हो रहा। तो मेरी वो दीदी की स्पेशल बात बताए, उसको आसपास के लोग जो भी बोले उसको कोई कुछ भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, वो जो समझता है उससे जो पसंद है वही वो करेगा, वही उसको उसके लिए काफ़ी है, वो दूसरों को चिंता नहीं करता कि मेरी पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरी सास क्या कहेंगे या फिर मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं। मुझे ये चीज़ उसकी अच्छी लगती है, मैं कहती थी कि वो बहुत खूबसूरत है, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है। मैं कहती थी कि मैं जब उसकी शादी के पहले मैं कहती थी कि कोई भी लड़की बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मेरी दीदी मुझको बहुत अच्छी लगती थी, तब वो बहुत अच्छी लगती थी। बहुत सारी फ़ोटोज़ भी है उसकी, उसकी बेटी ना इतना डरती है मुझसे, क्या बताओ उसको क्या समझती है, डरावनी कोई चीज़ समझती है शायद। उसकी बेटी मुझसे बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ तो चुप
मतलब डांटो ना वैसे ऐसे होता है, कोई भी हलचल नहीं होता, कभी भी हिलती नहीं है। बहुत बहुत प्यार भी करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा बड़ी हो गई है, मतलब अभी बचपन में डांटू तो हिलती भी नहीं थी, अभी भी नहीं हिलती। मैं जाऊँ तो कुछ भी मतलब शैतानी नहीं करती, बहुत प्यारी है। मेरी दो भांजियाँ हैं, दो ही बहुत प्यारी है। एक भांजा है, वो भी मतलब उसके लिए मैं पागल हूँ। उसकी उसकी इतना खूबसूरत सा स्माइल देती है, मैं उस फिदा हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन क्या करूँ, मैं उसके घर नहीं जा सकती। गई थी एक कब, वो जब तड़कश पापा के घर गए थे तब एक छोटा सा बेबी था ना, वो वाला मेरा भांजा था, उसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। वो शायद ही जानता है क्योंकि उसकी मौसी कितनी प्यार करती है उससे। जाएंगे पता नहीं लौटेंगे कब, ज़्यादा दिन नहीं ठहरने वाले क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर घर में भी यहाँ ही रहना। मेरे हस्बैंड कहते हैं जो भी है जल्दी आ जाओ, फिर यहाँ वे भी मेला है, मतलब वहाँ का मेला ख़त्म होगा फिर यहाँ पर मेला होगा, फिर यहाँ का एक पोला बैशाख करके एक उत्सव है, वहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे पता है, वो भी एक पापा के घर है लेकिन हमारे घर से पास है, और जो पापा के घर मैं पहले मतलब कुछ दिन पहले गई थी, मेरे हस्बैंड कॉल कर रहे थे, वो वाला बहुत दूर है। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड अभी कॉल कर रहे थे, उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, मज़ा करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है, बाय बाय।